हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग। सो फर्स्ट विल सी इट्स की कंसेप्ट। इसका की कंसेप्ट क्या है? तो इट्स की कंसेप्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब ये क्लोरोफिल होता क्या है? व्हाट इज क्लोरोफिल? सो क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल इट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सब में प्रेजेंट होता है। साथ साथ में ये प्रेजेंट होता है बीजीए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रेजेंट होता है युग्लेना में एंड ऑल्सो इन डाई एटम्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक मतलब क्या होता है? ओ टू इवोल्यूशन में जो हेल्प करता है उसको ऑक्सीजनिक कहते हैं। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल? अब ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी एक तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है, बट ये प्रेजेंट होता है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये। जैसे कि क्लोरोफिल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वैसे ही जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो हेल्प करेगा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में। अब ये एनऑक्सीजनिक का मतलब क्या हुआ? एनऑक्सीजनिक का मतलब नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है। अब हम व्हील से द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं भी देखेंगे चलेगा, बट क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें हमारे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्लोरोफिल में चार पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? इट इज चार फोर पायरोल रिंग। ये एच एंड दिस वन, दिस एंड दिस वन, सी दिस वन एंड। और ये चार पैरल रिंग होती है ना, ये जो है बीच में मैग्नीशियम से जुड़ी होती है ये ऐसे। सो ये N4Mg वाला टाइप्स बन गया। और यहाँ पे टेल होता है, ये टेल है, और ये सारे जो हैं ये हेड है। ये एक रफ डायग्राम है क्लोरोफिल का समझने के लिए, ठीक है? ये जैसे कि जानते हैं डबल बॉन्ड होगा, दिस 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 चार पैर उड़ेंगे, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्लोरोफिल ए का डायग्राम है, दिस इज ऑफ क्लोरोफिल ए। तो अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में इसका डायग्राम भी लगभग सेम ही होता है, पर जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कि जो पोरफायरिन रिंग है, या फिर जो पोरफायरिन रिंग है ये वाली जो रिंग है, इसमें जो है अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है एक में, अनसैचुरेशन एंड्स। सो डबल बॉन्ड
डिसॉल्व या फिर खत्म हो जाता है, और इससे क्या होता है, टू हाइड्रोजन अटैच्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल डिफरेंस फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग वन पायरोल रिंग, सॉरी वन पायरोल रिंग न्यूक्लियस विथ टू हाइड्रोजन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।